सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम युवा भी इसका विरोध जता रहे हैं। खासकर बिहार में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी आज प्रदर्शन हुआ। आज बिहार के जहानाबाद बक्सर में छात्रों ने बवाल किया। वहां छात्रों ने सड़कों को जाम की और आगजनी भी हुई। छात्रों ने जहानाबाद में NH-83 और NH-110 जमकर आगजनी की। सेना में बहाली के सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में आरा के छात्रों का उग्र प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। अग्निपथ के विरोध में छात्रों ने आरा में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। छात्र केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक छात्रों ने उग्र प्रदर्शन जारी रखा। अग्निपथ स्कीम के विरोध गुरुग्राम में भी हो रहा है। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया गया। बिलासपुर थाना क्षेत्र से लगता NH-48 को सैकड़ों युवाओं ने जाम किया है। युवाओं का कहना है कि पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं की गई है और अब सिर्फ 4 साल की भर्ती की जाएगी। इसके पहले बक्सर, मुजफ्फरपुर, गया में भी विरोध हुआ था। सेना में 4 साल की भर्ती वाली इस स्कीम से नाराज युवाओं ने कल पत्थरबाजी भी की थी। बिहार के बक्सर जिले में रेल यातायात और सड़क ट्रैफिक बाधित किया गया। बक्सर में करीब 100 युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर विरोध किया था। इसकी वजह से ट्रेन सर्विस भी बाधित हुई थी। प्रदर्शन की वजह से जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 30 मिनट लेट हो गई थी। बक्सर में आज भी प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।